पहाड़ में वर्षा बहुत हुई है और वर्षा के कारण से पानी एक साथ यमुना नदी में बड़ी मात्रा में आ गया। कल सवेरे जो 1.5 लाख क्यूसिक पानी निकल रहा था अग्निकुंड से, शाम आते आते शाम को 6 बजे 6,05,000 क्यूसिक पानी ये अग्निकुंड बैंक से पास होने लगा, जिसके कारण से बाढ़ का खतरा बन गया। अभी मैं आज चंडीगढ़ से आते हुए आधा घंटा इसलिए देरी हुई मुझे कि मैं पूरा हवाई सर्वे करके आया हूँ अग्निकुंड से लेकर के और इंद्री के सारे जो खेत थे वहां से होते हुए, और फिर मैं करनाल आया हूँ, करनाल से यहाँ आया हूँ। कुछ 8-7 गांव भी ऐसे हैं जिनके अंदर पानी घुसा है, लेकिन दर्जनों गांव ऐसे भी हैं जिनके खेतों में पानी घुस गया है। वो जल्दी आज जो भी बहुत कम हो गया, कल शाम को 6,05,000 जो क्यूसिक पानी आ गया था, आज घटते घटते दिन में मैं जब अग्निकुंड पहुंचा था लगभग 11 बजे जो हमने रिपोर्ट ली थी, तो 1,85,000 क्यूसिक पर वापस कम आ गया है। इसलिए वो बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जिनके खेतों में पानी चला गया। या इससे 4 दिन पहले हमारी जो हाँसी उठाना नहर, वो कभी गांव का जोशी गांव के पास टूट गई थी, उनके खेतों में पानी भर गया था। हम उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और जिसका फसल का नुकसान हुआ है उसको निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी मैं घोषणा करता हूँ।